इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में उपस्थित महामहिम आचार्य देवव्रत जी गवर्नर गुजरात, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधायक साथी, जाट समाज के सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरे साथियों, माताएं बहनें और पूरी दुनिया से आए हुए जाट समाज के युवा साथी जिन्होंने देश के, दुनिया के सभी कोनों में जाट बिरादरी का नाम रोशन किया, जाट बिरादरी को आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी को मेरी तरफ से मेरा प्रणाम नमन, सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। अभी मैं सभी वक्ताओं की बातें सुन रहा था और एक ही बात सब में नजर आई कि जाट से लोग चिढ़ते हैं, पर जाट एक तो न्याय के प्रति, एक सच्चाई के प्रति और अपनी बात पर अड़ग रहने वाला व्यक्ति है। जाट समाज में हमारे जो राजा महाराजा हुए, महाराजा रणजीत सिंह जी, महाराजा सूरजमल जी और फिर चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, अन्य महान हस्तियां हुई, इन सभी ने एक ही बात कही कि हम सबको एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर समाज की बुराइयों से लड़ना है और 36 बिरादरी को साथ लेके, पूरे गांव गवांड को, क्षेत्र को साथ लेके, सबका मान सम्मान करके आगे बढ़ना है। हमारा दिल साफ रहता है, हम साफ दिल के आदमी हैं। जाट जो है बिल्कुल, सभी लोग कहते हैं भी जाटों में भरोसा किया जा सकता है, वो धोखा नहीं देगा और ये जग जाहिर बात है। अभी डीजीपी साहब ने जो बातें कही कि जाट का मतलब, तो जस्टिस एंड ट्रूथ जाट के लिए सबसे उपयुक्त शब्द मैं कहूंगा होना चाहिए, होता है। गांव में पंचायतें होती हैं, महापंचायतें होती हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं समाज में, क्षेत्र के, एक शोर में उन पर फैसला लिया जाता है और उनको लागू कर दिया जाता है, लोग मानते हैं उनको, उनका सम्मान करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। कोई ऐसा कोई सामाजिक काम होता है तो जाट सबसे आगे बढ़कर, अपनी जान की परवाह न कर तन मन धन से उसको हमको आगे बढ़ाने का काम करता है। परंतु आज ये इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में कलवानिया भाई ने कहा कि इसके कुछ एजेंडा है, जो हम सब एकत्रित होते हैं, कोई भी बिरादरी की सभाएं एकत्रित होती हैं, उनका कुछ एजेंडा होता है, इस एजेंडे को तो मानते ही मानते हैं। राष्ट्रीय जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया जी ने बात कही कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। डीजीपी साहब ने बात कही कि हमें, जो हम विधानसभा में, संसद में बैठे हैं लोग, जाटों को अधिक से अधिक नौकरी देने का भरोसा और उनका सहयोग करना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं और करते हैं। हमें सामाजिक, जो जाट बिरादरी के जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें हिस्सा लेना चाहिए, वो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमें समाज की आवाज का पता चले और समाज के साथ हम खड़े और समाज हमारे साथ खड़ा रहे, तो हम सब मजबूत होकर विधानसभा में, संसद में, अन्य क्षेत्रों में जहां भी जाट की बात चले उसको आगे रखें। यह हमें करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो। हमें कला के क्षेत्र में, आज हमारे बेटे बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, खेल के क्षेत्र में जाट सबसे आगे है, सबसे अधिक मेडल लेके आने वाला वाली अगर कौम है तो हमारी बिरादरी के लोग हैं। अगर युद्ध होता है
तो सबसे आगे खड़ा किया जाता है, तो जाट को खड़ा किया जाता है, क्योंकि वो बहादुर है। वो राजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, भगत सिंह जी, जिन्होंने कुर्बानियां दी देश की रक्षा करने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, आज हम उसी तर्ज पे, उसी की उसमें देश के बॉर्डरों की भी रक्षा करते हैं, और सबसे ज्यादा शहीद भी हमारे बच्चे होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, समय का अभाव है, समय का अभाव है, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो दो तीन चीजों से बढ़ सकते हैं, जो मेरे मन में बात है मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, हमें हमारे बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, और जो शिक्षित है, जो संपन्न है, उनको जो गांव में दूर दराज के क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, उनको गाइड करना चाहिए, उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनमें भरोसा दिखाना चाहिए कि भी आगे बैठा इंटरव्यू लेने वाला भी जाट है, तो चिंता करने की जरूरत ना है ज्यादा। हमें कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आज सबसे ज्यादा गलत आदतों में पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। वो नशा पहले पंजाब में था, आज हरियाणा में है नशा, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में है। तो इस कुरीति का ध्यान अभी से अगर हम कर लेंगे, इस पर अभी ध्यान दे लेंगे, चाहे वो दूसरे का बच्चा हो, अगर उसको संज्ञान में लाएंगे और एक दूसरे को मिलजुल के कहेंगे कि भैया बच्चा नशा कर रहा है, इसको ठीक कर लिया जाए, इसको सुधारा जाए, इसको गाइड किया जाए। और नशा भी इसलिए करते हैं क्योंकि बेरोजगार है, बेरोजगारी की समस्या को दूर हमें करने के लिए आपस में सहयोग करना चाहिए। बड़े बड़े उद्यमी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो आपस में एक दूसरे को कम से कम गाइड करके नौकरी दिला के उसको दूर कर सकते हैं। और बाकी बात रही ब्याह की, शादी की, वो भी हो जाएगा, फिर सारे काम हो जाएंगे। तो अभी जो रेशियो था वो बढ़ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जाए, हमारे बच्चों को कुरीतियों से बचाया जाए, और एक दूसरे के साथ मिलके, किसी की टांग न खींच के, सहयोग करके अगर आप सब रहोगे, तो निश्चित तौर पर सभी विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में, सभी क्षेत्रों में आप सब जो बैठे इन्हीं में से होंगे। इतना मैं कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने मुझे मौका दिया, और कलवानिया जी, पलसानिया जी ने जो इस सभा का आयोजन किया है, और ये एक सराहनीय कदम है। इतने सारे लोग जो बाहर भी खड़े हैं, यहाँ आए अपनी बिरादरी की, और ये लगे रहते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, पलवानी जी जी दोनों के दोनों जोड़ी है, युवा है, इनमें जो जोश है तो हम सब में तो होना चाहिए। हम सबको भी इनसे एक प्रकार से गाइडेंस लेके, इनका सहयोग करके, इन आयोजनों को और अच्छे तरीके से हो, इसका सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।